इस मॉडल को 1 अप्रैल को लॉन्च किया जा रहा है। एजेंसी लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या इन रिक्शाओं को ले करके किराए पर दे सकते हो? ओके, और सर इसमें जीपीएस है? बिल्कुल सर, जीपीएस भी है। हाँ जी सर। यानी कि आपकी गाड़ी को चोरी होने से भी बचाएगा। घड़ी दे रखी है, लाइट दे रखी है भाई साहब। ये देखिए लाइट, और ये देखिए ये लाइट है, और ये देखिए ये लाइट जल गई। है दोस्तों नमस्कार, जगजीत चौधरी व्लॉग में दोस्तों आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज फिर मैं आपको लेके आया हूँ ठुकराल कंपनी में, जो कि सोनीपत बड़वासिनी गांव में स्थित है। और दोस्तों आज हम आपको दिखा रहे हैं मॉडल ठुकराल ER1। तो दीपू सर, आपकी जो ठुकराल की ER1 ये जो लॉन्च हो रही है सर, सर इसके लिए मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ सर। थैंक यू सर। और दूसरी बात सर, अब ये बता दी सर, इसकी जो एजेंसी जो भाई हमारा लेता है, जो हमारे गाँव देहात से देख रहा है, शहर से देख रहा है, सिटी से देख रहा है, जहाँ से भी देख रहा है, तो सर इसकी 4 रिक्शा लेने के बाद कम से कम कितने पैसे कमा सकता है? सर 4 रिक्शा लेने पर कम से कम 1 लाख रुपए आराम से कमा 1 लाख रुपए कमा सकता है। हाँ जी सर। अच्छा जी, यस। तो और 10 से 20 रिक्शा ले लेगा तो 4 से 5 लाख रुपए। क्या बात है, क्या बात है। घर बैठे आप पैसा कमा सकते हो और खुद के बॉस बन सकते हो, खुद के बॉस, खुद के मालिक। तो सर अब मुझे है ना इस हाथी जैसी ठुकराल की गाड़ी के सर फीचर बताइए, इसमें सर मार्केट से क्या अलग है ये बताइए सर। टायर से शुरू करते हैं सर, पीछे तक जाएंगे सबसे, टायर से बताइए सर, टायर का सर। जी सर, ये जो हमारा टायर है। हाँ जी सर, 3.75x12 है। अच्छा ठीक है सर, ठीक है सर। अब सर बात की जाए सर आपके मडगार्ड की, सर मडगार्ड आपका मेटल का है? यस सर। बहुत बढ़िया है सर, बहुत ताकतवर है। और सर अब बात की जाए सर इसके जो आपके शॉकर है सर, शॉकर की बात की जाए सर, शॉकर मतलब कितने ताकतवर है सर आपके? सर बहुत ताकतवर है हमारे शॉकर। सर कितनी सवारी लेके चल सकते हैं सर मैक्सिमम? सर वैसे चार से पाँच तो सर पासिंग है। पासिंग है, हाँ जी हाँ जी। बाकी तो सर 8-10 आराम से बैठ सकते हैं। 8-10? यस सर। इतनी ताकत है सर इसमें? ताकत है, क्या बात है। और दोस्तों एक बात और बता दूं आपको भाई साहब, टफन ग्लास तो इसमें है ही, जो कार वाला फीचर है। और इसके अलावा भाई साहब देखो स्टील शुरुआत से लेकर भाई साहब पीछे तक, भाई साहब देखो स्टील ही स्टील है, देखो आगे स्टील, बीच में स्टील, यहाँ स्टील, वहां स्टील, भाई साहब ये देखो जरा, भाई साहब कमाल है, भाई साहब देखो ताकत, ताकत देखो भाई साहब, 82 किलो वजन है मेरे में, ये देखिए भाई साहब इसे कहते हैं ताकत। भाई साहब हाथी छाप रखा है, इसका मतलब हाथी जैसी ताकत भी है इसमें भाई साहब। और सबसे बड़ी बात भाई साहब, आज दिखाता हूँ आपको इसका, देखो डिस्प्ले, ये इसमें डिस्प्ले है, ये देखिए ये डिस्प्ले आपको बताएगा कि आपकी बैटरी कितनी चार्ज हो गई है और कितना आपको आगे चलना है, कितनी डिस्चार्ज हो गई है। और देखिए स्टील की कितनी प्यारी प्लेट लगा रखी है भाई साहब, स्टील तो इसमें भर भर के लगा रखा है। यहाँ पर आप अपना मंदिर बना सकते हो और मंदिर बना करके आप पूजा कर सकते हो। भाई साहब देखिए कितना स्टील लगा रखा है। दोस्तों देखिए भाई साहब, 2 शीशे यहाँ हैं, 2 यहाँ हैं और 1 सामने है। भाई साहब सुरक्षा की दृष्टि से आप पीछे से आता हुआ वाहन भी देख सकते हो, साथ में देखो घड़ी दे रखी है, और ये देखिए ये लाइट है, और ये देखिए ये लाइट जल गई, और ये भाई साहब वॉच है। और इसके अलावा ये देखिए भाई साहब, यहाँ भी स्टील का पूरा फ्रेम है। और छत देखिए, छत देखिए, छत भी मजबूत है ना, छत मजबूत। और एक बात और बताऊँ भाई साहब, सीट भाई साहब बहुत ही रिलैक्सेबल है। अब मैं दीपू जी से पूछूंगा कि इसकी जो चेसी है, इसकी चेसी के बारे में बताइए सर, चेसी कितनी मजबूत है? चेसी के बारे में बताइए। चेसी सर हमारी काफी मजबूत है। अच्छा, चेसी सर आपकी मजबूत है? हाँ जी सर। और सबसे बड़ी बात ये देखिए भाई साहब, ये जो है ना डिजाइन, ये जो डिजाइन है, ये जो शीट है, ये ज्यादातर बसेस में लगी होती है, ट्रेन में लगी होती है, ताकि फिसले ना, पैर ना फिसले। और ये भाई साहब मजबूत है, टनाटन है बिल्कुल। और यहाँ से होते हुए देखिए, देखिए भाई साहब ये देखिए टायर का डिजाइन, टायर डिजाइन देखिए, सीएट का टायर है, ये अलॉय व्हील नहीं है इसमें। लेकिन ये देखिए भाई साहब, मुझे ऐसा लग रहा है कि डिजाइन कितना प्यारा है से। तो दीपू जी अब मुझे इसका कंट्रोल दिखाइए सर, जरा सीट हो गई सर, सर मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ दिखाइए सर, कंट्रोलर से पहले ना सर बॉक्स दिया हुआ है सामान रखने के लिए। अरे वाह, क्या बात, ड्राइवर भाई के लिए? हाँ जी सर। क्या बात, इसमें वो अपना खाना पीना सामान रख सकता है? यस सर। अब ये आ गया, क्या बात है, कंट्रोलर, क्या बात है। ये MCB है और ये कंट्रोलर है, क्या बात है सर। ये आपका कंट्रोलर सर, ये सर कितने वाट और कितने एम्पियर का सर? ये सर 48 वोल्ट का है। हाँ। और 53 एम्पियर का है। का है। और ये तो देखिए दोस्तों भाई साहब, इसकी सुरक्षा की दृष्टि से इसमें MCB दे रखा है, देखिए सर इसकी साइड में लाइट भी दी गई है देखने के लिए। अच्छा अच्छा, क्या बात, अरे वाह क्या बात, लाइट है, यानी कि अंधेरे में भी अगर कोई दिक्कत परेशानी आती है तो उसको कर सकता है, देख सकता है जी सर। और साथ में दे रखा है दोस्तों इसके म्यूजिक सिस्टम, ये देखिए म्यूजिक सिस्टम भी दे रखा है विद ब्लूटूथ है भाई साहब, क्योंकि मनोरंजन का भी पूरा ख्याल रखा है ठुकराल साहब ने। तो दोस्तों अब दिखाते हैं आपको पीछे, आइए पीछे आइए। अब सर इसकी बैटरी के बारे में बताइए सर, इसकी बैटरी का सर क्या है हिसाब किताब, बैटरी का
इसमें से बैटरी कितनी लगती है बताइए सर? बैटरी सर इसमें, हाँ जी, लिथियम की डाली गई है। तो आइए सर दीपू जी अंदर बैठते हैं। हाँ जी सर। तो दोस्तों अब मैं आपसे पहले ये पूछूंगा सर, सीट के बारे में बाद में पूछूंगा, स्पेस के बारे में बाद में पूछूंगा। आप ये बताइए सर, इसमें से जो बैटरी है इसकी एफिशिएंसी कितनी है सर? सर ये जो हमारी बैटरी है ना, तीन वैरायटी में इस्तेमाल की गई है, तीन कंपनियों की। जी जी। एक तो सर हमारी लिथियम है। अच्छा। लिथियम है सर, मैम हम खुद मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। अच्छा। जिसकी 3 साल की वारंटी अच्छा रहती है। जी जी जी। उसके अंदर एक GPS भी दिया जाता है। अच्छा। बैटरी चोरी वगैरह ना हो सके उसके लिए भी। हाँ जी ठीक है जी। ये 100H में आती है। 100H में आती है। इसमें ईस्टमैन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सर आप मुझे सर स्पेस के बारे में तो बताना सर, उससे पहले बताना है सर इसकी जो बैटरी कैपेसिटी है सर वो कितने की, और सर दिल्ली में और अदर्स कहाँ कौन सी लगती, लेड एसिड वाली, लिथियम वाली, उसके बारे में बताइए सर। सर हमारे में लेड एसिड भी इस्तेमाल की गई है। अच्छा। बैटरी और लिथियम भी। लिथियम सर हमारी लिथियम है, उसकी सर 3 साल की वारंटी दी गई है। अच्छा 3 साल की वारंटी। इसके अंदर सर GPS भी लगा हुआ है। GPS भी लगा हुआ है। जी। चोरी होने से बचाने के लिए बहुत जरूरी है। जी सर। जी जी जी। तो अब देख रहे हैं दोस्तों ये रिक्शा सवारी है, और ये देखिए इसमें देखते हैं हम स्पेस और छत का स्पेस। ये देखिए मेरे सिर के ऊपर से ही भाई साहब कम से कम 6 इंच जगह बाकी है, मतलब स्पेस पूरा खुला बनाया है। अब ये देखिए दीपू जी और मेरे बीच में कितना गैप है, घिचबिच नहीं, बिल्कुल लेग से लेग नहीं टकरा रहे बिल्कुल भी, स्पेस काफ़ी है इसमें। यहाँ तक कि आप इसमें सूटकेस रख सकते हो, सब्जी रख सकते हो, और भी सामान रख सकते हो। और मेरे जैसे तो खैर इसमें 2 आदमी आएंगे, लेकिन पतले पतले इसमें 3 आदमी भी आ सकते हैं। आगे भी ड्राइवर मानते नहीं, वो 3 बैठा लेते हैं, लेकिन मैं फिर भी ये कहूँगा आगे आदमी 1 बैठे और पीछे बैठे 2 और 2 4, ये सही रहेगा सुरक्षा की दृष्टि से। तो दोस्तों कुल मिलाकर आपने देखा स्पेस पूरा प्यारा। अब ये देखिए हैंडल कितने जानदार है सर, हैंडल बड़े शानदार बना रखे सर आपने। हाँ जी सर। बड़े मजबूत है सर ये हैंडल हो गए। अब ये रहेगी इसके पर्दे, भाई साहब पर्दे भी अगर आप भाई साहब बंद कर देंगे ना, आप बिल्कुल घुप अंधेरा हो जाएगा, बिल्कुल एक झोपड़ी बन जाएगी। तो हम आपको बता दो देखिए डिजाइन भाई साहब स्टील ठोक ठोक के लगा रखे। इसके अलावा वैसे डिजाइनिंग ये देखिए ठुकराल भाई साहब, यहाँ लाइट है देखिए ठुकराल भाई साहब, ये लाइट है देखिए, ये देखिए भाई साहब रात को आपको डिस्कोथेक वाली भाई साहब फीलिंग देगा। ये देखिए आपको यहाँ भी ठुकराल, नीचे भी ठुकराल भाई साहब, ऊपर ठुकराल, साइड में देखिए भाई साहब, मेक इन इंडिया को प्रस्तुत करता हुआ ठुकराल भाई साहब, मोदी जी के सपनों का भारत को प्रस्तुत करता हुआ ठुकराल। ये देखिए स्टॉप, पहले लाल था अब हरा हो गया, मतलब आप भाई साहब टेक्नोलॉजी का पूरा सदुपयोग किया गया है। ड्राइवर भाई को कोई दिक्कत ना आए, पीछे से कोई ठोक ना दे, रात को लाइट होनी बहुत जरूरी है। और दोस्तों ये देखिए भाई साहब ये लाइट है, इसके भी जाली दे रखी है, देखिए अगर पीछे से अगर कोई वाहन टकरा जाता तो आपकी भाई साहब लाइट डैमेज नहीं होगी। ये देखिए ये इंडिकेटर चालू हो गए हैं, और ये देखिए भाई साहब जो नंबर प्लेट रहेगी उस पर उसके ऊपर भी लाइट है, और इसकी जो मैं ताकत आपको दिखाई चुका हूँ पहले, ये बहुत ही मजबूत स्टील लगा रखा है। और भाई बात रही भाई साहब ये देखिए स्टेपनी की, ये इसकी स्टेपनी है, ये स्टेपनी ठुकराल की, आगे ठुकराल का है भूचाल। आइए दोस्तों अब आगे की लाइट देखते हैं, आइए ये देखिए आगे की लाइट, आगे भी ठुकराल भाई साहब, देखिए हाथी जैसी ताकत को प्रस्तुत करते हुए, ये देखिए दो हाथी ठुकराल, और देखिए भाई साहब लाइट क्रीमी लाइट, LED इंडिकेटर, क्या बात है भाई साहब, दुल्हन की तरह सजा रखी है। तो इस लाइट और इस लाइटों के अलावा देखिए यहाँ भी ठुकराल है ना लाइट, ये भी जल रही है ना लाइट, ये देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है। और अब बात की जाए भाई साहब इसके कैरियर की, यहाँ भी ठुकराल लिखा हुआ है। अब सर ये बता दीजिए इस पर कितना वजन ला सकते हैं हम सर, ये बताइए दीपू जी। इस पर भी सर आराम से 200 से 300 केजी लाद सकते हैं। 200 से 300 केजी भाई साहब, 200 से 300 केजी इस कैरियर पे भी आप लाद सकते हो। दोस्तों कुल मिलाकर के कहानी ये है कि हमने आपको बहुत प्यारा सेगमेंट दिखाया, जानदार सेगमेंट दिखाया, और इस गाड़ी का एजेंसी लेने के लिए आपको सिर्फ दीपू जी द्वारा जो बताया गया 4 लाख रुपए लेके आने हैं, और 4 लाख में आपको रिक्शा मिल जाएंगी 4, और उससे आप हर महीने 1 लाख रुपए कमा सकते हो, और 10 से 20 अगर आप रिक्शा रखते हो तो आप 4 से 5 लाख रुपए महीने कमा सकते हो, और आप अपने भाइयों को जो घर बैठे हैं उनको रोजगार दे सकते हो, अपने बच्चों को रोजगार दे सकते हो, और इनको लेकर आप किराए पे भी चला सकते हो। तो कुल मिलाकर क्या हुआ, आम के आम और गुठलियों के दाम। मेरा उद्देश्य सिर्फ यही है कि मैं आपके लिए अच्छी वीडियो बनाऊँ ताकि वो तर्क सहित हो, आप लोगों को कमाने का जरिया मिले, और आप लोगों को भाई साहब मेरी वीडियो से अच्छा बिजनेस मिले, मेरा उद्देश्य हमेशा ही रहता है। तो दीपू जी को मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि दीपू जी ने हमें इतना अनमोल टाइम दिया। तो दोस्तों आपको वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी है ताकि हमारे भाइयों को नया रोज़गार मिले, नए अवसर पैदा हों। तो मैं सर को थैंक यू बोलता हूँ, सर थैंक यू वेरी मच, आपने सर मुझे अपना अनमोल टाइम दिया, और अपना 1 अप्रैल को लॉन्च होने वाला
अपना मॉडल पहले ही हमें दिखाया। तो दोस्तों अब मैं चलता हूँ, जय हिंद, वंदे मातरम, ओम नमः शिवाय।